बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो जी, वेलकम हो गया आपका मेरे इस चैनल पे और एन अदर वीडियो पे, क्योंकि आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही। आज मैं एक वीडियो शूट करने लगी हूँ आपके लिए, जो कि है मेकअप ट्यूटोरियल पे। मेकअप ट्यूटोरियल कह लें या कह लें, जो फटाफट से मेकअप करते हैं ना जब कहीं जाना होता है, वो वाला मेकअप कह लें, जो कि मैं करती हूँ। वैसे मुझे मेकअप का इतना शौक नहीं है और ना ही मैं इतना मेकअप करती हूँ। जो मेन चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ कहीं जाना होता है मुझे, तो वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले जो मैं चीज़ अप्लाई करती हूँ वो है कंसीलर, क्योंकि मुझे इशू रहता है डार्क सर्कल्स का। तो मैं कंसीलर थोड़ा सा लगाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रूर लगाती हूँ थोड़ा सा ही सही, लेकिन लगाती ज़रूर हूँ। अच्छा जी, ये मैं कंसीलर लगाऊंगी अपनी आईज़ के नीचे और ऊपर भी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है जी मिरर का, क्योंकि मुझे कैमरे में समझ नहीं आ रही। फर्स्ट टाइम मैं कोई शूट इस तरह से वीडियो कर रही हूँ। तो अच्छा जी, मैंने यहाँ पर स्पंज नहीं लिया, क्योंकि मैं समझती हूँ जो हाथ से चीज़ अच्छे से मिक्स होती है ना, वो स्पंज से नहीं होती। तो मैं बस ना ऐसे ही हाथों से ही इसको कर लेती हूँ, तो मसला कोई नहीं होता है। वैसे कई लोग ऐसे ही करते होंगे, स्पंज नहीं लेते होंगे और हाथों से ही कह लेंगे। ये देखिए, हो गई है मिक्स। हाँ जी, हो गई है। अच्छा जी, ये तो आइस हमारी कवर हो गई है, अब इसको भी मैं कर लूँगी। तो आज कोई व्लॉग मैंने नहीं बनाया, आज मेरा दिल भी नहीं था कर रहा कुछ भी शूट करने का। तो मैंने कहा आपके साथ मैंने डेली बेसिस पे अपने व्लॉग्स अपलोड करने हैं, तो चलो एक वीडियो शूट कर लेते हैं जी मेकअप ट्यूटोरियल पे। वैसे कोई ये इतना वाला मेकअप नहीं है जैसे कहते हैं बड़े मैं मेकअप की वो किट ले के आई हूँ नहीं, मैं यहाँ पर बस थोड़ी सी चीज़ें ले कर आई हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ भी इतना कोई नहीं है। मेरी सिस्टर जो है ना, उसको मेकअप का बहुत शौक है और वो करती भी है। अक्सर घर में कोई आ जाता है तो वो ही करती है सबका मेकअप। जैसे मोहल्ले से कोई आ जाता है, चले जी ईद है हमें मेकअप करें। तो जी, आईज हमारी कवर हो गई हैं। अब इसके बाद ना मैं क्या लगाऊँगी, मैं भयानक सी तो लग रही हूँ, मुझे पता है अच्छा, यहाँ पर ना मैं फाउंडेशन लगाऊँगी, जो कि है बी क्यूट की। ये देखिए जी, बी क्यूट की, आपको नज़र नहीं आएगा, बी क्यूट की ये फाउंडेशन है और ये मैं लगाऊंगी बिल्कुल हल्की सी, थोड़ी थोड़ी सी लगाऊंगी। तो ये देखिए, थोड़ी सी मैंने ली है बस, तो इसको हम लगाएंगे। पहले मैं डॉट्स डाल लूँ डॉट्स। अच्छा सारा, अच्छा मेरे फेस पे ना पिंपल्स भी बन रहे हैं, पता नहीं क्यों आज एक पिंपल निकल आया है यहाँ पे। तो वैसे मेरे फेस पे पिंपल नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने लिया हुआ है स्कार्फ, तो मुश्किल होनी है मुझे अब थोड़ी सी। चलें कोई नहीं, देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैंने करना है मिक्स मैं क्या लग रही हूँ अच्छा जी, तो इसको हम हाथों की मदद से ही जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्पंज मैं लेके आई हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं किया उसके साथ मिक्स करने का, क्योंकि जब भी मैं स्पंज के साथ करती हूँ ना, वो सही से नहीं होती। मुझे लगता है कि हाथों से ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, तो हाथों से ही करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है बेस थोड़ी सी ज़्यादा लग गई है, चलिए इसको कवर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरी सिस्टर जो है ना, वैसे मैं मुझे कह रही थी मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, तो मैंने कहा तुम रहने दो, तुमने जो मुझे वो दुल्हन बना देना ना, तो मैंने उस तरह का मेकअप नहीं करना, मैंने सिंपल सा मेकअप जो है ना करना है। तो चले जी, मैं अपना दूसरा हाथ भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, हम जब भी अपनी स्किन के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ हमें करनी चाहिए। ऐसे मैं ऐसे समझा रही हूँ जैसे आपको मैं जो है ना मेकअप की क्लास दे रही हूँ। अच्छा जी, मिक्स आई थिंक हो गया है। तो हाथों से तो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हमारी वेस्ट लग जाती है। के बाद जो मैं चीज़ लूंगी वो है ब्रश। ओ ब्रश, ब्लश ऑन, ब्रश तो ये है जी, ये ब्लश ऑन है। और ये बस हल्का हल्का सा हम लगाएंगे, बिल्कुल लाइट सा ही लगाना है, मैंने इतना नहीं लगाना। पता नहीं अब कैसा हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चले नहीं भी ना अच्छा लगा तो आप कमेंट में मुझे बताना ज़रूर आपको कैसा लगा है। अच्छा जी, ब्लश ऑन जो है वो हमारा डन हो गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद मैं जो चीज़ लगाने लगी हूँ वो है मस्कारा। और ये पता नहीं किसका, कौन सी कंपनी का है, मिट गया है। क्योंकि ये काफ़ी देर से है मस्कारा, तो काफ़ी अच्छा मस्कारा है। तो ये मैं अपनी आई लैशेज़ पे लगाऊंगी। वैसे आज मैंने सुरमा लगाया हुआ था सुबह, तो अभी मैंने फेस वॉश किया तो सुरमा जो है ना मेरा ऐसे फैल सा गया है। वैसे मैंने सुरमी लगाई थी, सुरमा नहीं था लगाया। अच्छा जी, अब आईब्रोज़ के ऊपर ना मैं यही लगा दूंगी, लगाऊंगी। अब मैं कैसे लगाऊं, थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं। वैसे मैं इसके ऊपर जो है ना वो पेंसिल नहीं लगाती, मैं यही लगा लेती हूँ। तो इस टाइम मुझे वो मिल भी नहीं थी रही, तो मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है, हम जुगाड़ लगा लेंगे, हम इसी के साथ जो है ना अपना मेकअप डन कर लेंगे। तो जी, यहाँ पे मस्कारा जो है मैंने अपने आईब्रोज के ऊपर भी लगा लिया है। ठीक है जी, अब लास्ट लास्ट वैसे नहीं है, वैसे एक चीज़ मैंने और भी लगानी है इसके बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं ना दो लेके आई थी लिपस्टिक्स। अच्छा, ये तो है वैसे लिपस्टिक ही है, ऐसे रेड में है, बड़ा मज़े का कलर है। तो ये नीचे ये लिप ग्लोज है, तो ये मैं लेके आई थी जी मडोरा की लिपस्टिक। तो जो कि कल मेरी भांजी, जिन्होंने वो ब्लॉग देखा है उनको पता चल गया होगा, तो भांजी ने ये लिपस्टिक जो है ना इसका, ये देखिए ये कबाड़ा कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, ऊपर से गायब कर दी है। तो पीच, वैसे मैं ना मोस्टली पीच ही लगा लेती हूँ, लेकिन ये कि अब मेरा दिल कर रहा है मैं ना ये रेडिश में थोड़ी सी कर लूँ। वैसे मेरी सिस्टर को मेकअप करने का बहुत शौक है, और वो तो घर में कोई आ जाए सही बस पकड़ लेती है। तो जी, लिपस्टिक भी मैंने लगा ली है। वैसे मुझे लग रहा थोड़ी सी डार्क हो गई है, वैसे हल्की सी लगी है, बस कैमरे में ज़्यादा लग रही है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब मैंने जो चीज़ लगानी है ना, वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ हाइलाइटर, और ये भी मैं अपनी सिस्टर का लेके आई हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई मेकअप का सामान नहीं है, मुझे शौक भी नहीं है, और बस कह रहे कि जब लगाना होता है तो मैं उसी का पकड़ के लगा लेती हूँ। खैर, अच्छा मैं यहाँ पे ये कलर्स हैं जी, तो आउच, अच्छा ये कलर है, और इससे हम कौन सा कलर लगाएं, बिल्कुल हल्का सा मैंने जो है ना थोड़ा सा बस इधर करना है, मैं मेरा दिला गोल्डन जो है ना ये कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो गोल्डन है ना ये मैंने लिया है, ये देखिए जी, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, और दोनों आइज़ पे जो है ना मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करके तो अप्लाई कर लूँगी। इस तरह से लगा दिया, तो थोड़ा सा और लेंगे कि थोड़ा सा ये थोड़ा ही हो गया था। अच्छा, यहाँ पे भी मैं बस ऐसे ही करके लगा दूँगी। वैसे मुझे आईज़ बनाने का इतना शौक नहीं है कि मतलब शादियों पे भी जाना हो तो बस बस यही हल्का सा लगा लेते हैं, और जी डन हो गया मेकअप हमारा।
मेरी सिस्टर तो जो है ना वो मेकअप की एक्सपर्ट है जी तो वो तभी मेरा बोल रही थी मैं करती हूँ, क्योंकि मोहल्ले में कोई भी उसके पास आते थे असल में ट्यूशन वाले बच्चे, तो उनकी जो है ना माएँ जब आती थी ना, तो जब भी ईद होनी होती थी ना, तो वो फिर आती थी मेरी सिस्टर से मेकअप करवाने, और अपनी बच्चियों को भी भेज देते थे। तो उसको बहुत शौक भी है और उस चीज़ में एक्सपर्ट भी है। अच्छा जी, अब मैंने क्या लेना है, थोड़ा सा हाइलाइटर भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ना हल्का सा हाइलाइटर लूँगी, जो कि हम ब्रश ब्रश से ही लगा लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से ही मैं ले रही हूँ, ब्रश ब्रश की मदद से लगा लेंगे हम जी, कि जब तक हमारी हमारे फीचर्स हाईलाइट नहीं होंगे तो मेकअप जो है ना वो सही से नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना जी। तो जी यहाँ पे मेरा जो मेकअप है ना वो डन हो गया है, बस एक चीज़ रह गई है जो कि मैं लगाती हूँ, वो है सुरमा सुरमा लगाऊंगी मैं, बल्कि ये हाशमी सुरमी है, काजल नहीं मैं लगाती, तो मैं शुरू से सुरमा ही लगाती हूँ। वैसे मैंने सुबह लगाया था, तो अभी मैंने कहा चले दोबारा से जो है ना लगा लेते हैं। पता नहीं आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा है अच्छा ही लगा होगा। चलें जी, ये डन हो गया है हमारा मेकअप, जो कि फटाफट वाला मेकअप है तो आपको कैसा लगा है मेरा ये मेकअप? वैसे मैंने इतनी चीज़ें तो यूज़ की नहीं है, वैसे मेरी अगर लिपस्टिक हटा दी जाए तो मेरी बाकी चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं। लिपस्टिक से थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी लग रहा है, लेकिन यह है कि ये लिपस्टिक जो है ना बिल्कुल मैंने लाइट सी लगाई है, लेकिन कैमरे में ऐसे मुझे फील हो रहा है कि ज़्यादा ही कुछ लग गई है। अच्छा जी, आपको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा है? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़्यादा सा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छी सी वीडियोस लाऊं, ब्लॉग्स लेके आऊं। तो बस आज की इतनी सी ही वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।